Hello everyone. Welcome back to the channel. I hope you are all well. Today I'm gonna show you this beautiful knitting pattern. Only two rows repeat pattern. If you like this video, please like and share. And don't forget subscribe the channel. Press the bell icon for the latest video. So, don't be delayed. Let's start this video. डिज़ाइन बताने के लिए अलग से मैंने यहाँ पे फोर्टीन फंदे डाले हैं फर्स्ट और राइट साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं पहला फंदा यहाँ पे हमने स्लिप कर लेना है इस तरह से अब धागे को अपनी तरफ घुमाएंगे ठीक है जी इस तरह से धागे अपनी तरफ घुमाने के बाद एक फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बना देना है दोबारा से हमने धागे को बाहर की तरफ घुमाते हुए फोर फंदे यहाँ पर राइट साइड से हमने सीधे बना देने हैं फोर फंदे राइट right साइड से सीधे बनाएंगे वन टू थ्री और फोर चार फंदे सीधे बुनेंगे इसके बाद धागा फिर से अपनी तरफ घुमाएंगे एक फंदा फिर से उल्टा बुनेंगे देखिए यही फंदे हमने फिर से दोहराने हैं पहला फंदा हमने स्लिप किया इसे छोड़ देंगे उसके बाद हमने एक उल्टा फंदा बुना था चार फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा यही छह फंदे फिर से दोहराएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे क्योंकि धागा अपनी तरफ ही है हमारे पास फिर से धागा बाहर की तरफ घुमाते हुए चार फंदे हमने सीधे बना देने हैं वन टू थ्री चार फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ फिर से घुमाएंगे एक फंदा यहाँ पे हमने उल्टा बना देना है और एस स्टिच को धागा बाहर की तरफ घुमाते हुए हमने सीधा बुन लेना है फर्स्ट रो राइट साइड से, से हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है देखिए इस तरह से। सेकेंड रो रॉन्ग साइड उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई देखिए पहला फंदा इस तरह स्लिप कर लेंगे इसके बाद हमने धागे को बाहर की तरफ घुमाते हुए यहाँ पर एक फंदा सीधा बना लेना है इसके बाद फिर से हमने धागे को अपनी तरफ रखेंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे यो सिलाई सेकेंड रो है हमारी उल्टी तरफ से दूसरा फंदा उल्टा तीसरा फंदा भी उल्टा बुनेंगे और चौथा फंदा भी उल्टा बना देंगे ठीक है जी चार फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा फिर से सीधा यही छह फंदे फिर से दोहराएंगे एस स्टिच को छोड़ कर देखिए एक फंदा सीधा बुना था चार फंदे उल्टे और एक फंदा फिर से सीधा फिर से दोहराएंगे इन्हीं चार छः फंदों को एक फंदा सीधा फिर से धागा अपनी तरफ रखेंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे वन टू थ्री फोर चार फंदे उल्टे फिर से धागा बाहर की तरफ घुमाते हुए फंदा सीधा स्टिच को धागा अपनी तरफ घुमाते हुए हमने उल्टा बना देना है सेकेंड रो भी हमारी कंप्लीट होगी है उल्टी तरफ से यहाँ से हमारा पीठ पैटर्न स्टार्ट होगा डिज़ाइन की फर्स्ट रो राइट साइड पहला फंदा देखिए स्लिप कर लेंगे इसके बाद हमने फंदे को उल्टा बुल लेना है धागा अपनी तरफ घुमाते हुए धागे को बाहर की तरफ रखेंगे चार फंदे देखिए सीधे हैं पहला फंदा और सेकंड फंदा इन्हें ट्विस्ट करेंगे सेकंड फंदे को आगे की तरफ से घुमाते हुए और पहले फंदे को पीछे की तरफ से घुमाते हुए इस तरह से हमने ट्विस्ट कर देना है फिर हमने पहला फंदा इस तरह से बुन लेना है और सेकंड फंदे को भी सीधा बुन लेना है ये हो गया है अब देखिए थर्ड और फोर्थ फंदा फोर्थ फंदे को हमने पीछे की तरफ से नीटा पर रखेंगे और थर्ड फंदे को आगे की तरफ से नीटा पर घुमाएंगे देखिए इस तरह से घुमा देंगे और इन्हें अब सीधा बुनेंगे इस तरह से सीधा बुन लेंगे चार फंदे हो गए हैं देखिए हमारे इन्हीं फंदों को हम फिर से दोहराएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे देखिए यहाँ पर धागे को बाहर की तरफ घुमाते हुए चार फंदे हमारे सीधे हैं पहला और सेकंड फंदा इन्हें हमने ट्विस्ट करना है इस तरह से आगे की तरफ से सेकंड फंदा और फर्स्ट वाला फंदा सेकंड नंबर पर ले जाएंगे फिर दोनों फंदों को हमने इस तरह से सीधा बना देना है थर्ड और फोर्थ फंदा इसी तरह से थर्ड फोर्थ फंदा पीछे से आगे की तरफ और थर्ड फंदा फोर्थ नंबर पर ले आएंगे और फिर से सीधा बुनेंगे चार फंदे सीधे हो गए हैं देखिए हमारा डिज़ाइन भी हो गया है और एक फंदा उल्टा छः फंदे हो गए और आखिर का फंदा एस्टिच इसे हमने सीधा बना देना है डिज़ाइन की फ़र्स्ट रो कंप्लीट हो गई सेकंड रो देखिए उल्टी तरफ से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे यहाँ पे हमने फंदे जिस तरह से दिख रहे हैं उसी तरह से बुनेंगे जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और जो उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे सभी चार फंदों को उल्टा बुनेंगे धागे को भाग तरफ घुमाएंगे एक फंदा सीधा फर्स्ट डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गया सेकंड डिज़ाइन देखिए एक फंदा सीधा फिर से धागा अपनी तरफ घुमाएंगे चार फंदे उल्टे बुनेंगे थ्री एंड फोर फिर से धागा भाग की तरह घुमाते हुए एक फंदा सीधा और एस स्टिच को उल्टा बुन लेंगे तो देखिए टू रोज़ का डिज़ाइन है फर्स्ट टू रोज हमने डिवाइड किए थे तो फंदे ये हमने बार बार दोहरानी नहीं है फिर से देखिए जो दो रोज़ हमने दोहरानी है फर्स्ट रो देखिए इस तरह से बुनेंगे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर से धागा भागे तरफ घुमाते हुए चार फंदों में से पहले दो फंदे ट्विस्ट करेंगे सेकंड नंबर का फंदा पहले नंबर पे ले आना है और फिर इन्हें सीधा बुन लेना है सेकंड फंदा भी सीधा फिर से थर्ड और फोर्थ तो नंबर का फंदा भी इन्हें भी ट्विस्ट करेंगे फोर्थ नंबर का फंदा पहले नंबर पर ले आना है। पीछे की तरफ से घुमाते हुए इस तरह से हमने इसे आगे की तरफ ले आना है और सीधा बुनेंगे चार फंदे हो गए हमारे ये डिज़ाइन के और एक फंदा उल्टा छः फंदे फिर से देखिए एक फंदा उल्टा बुनेंगे नेक्स्ट चार फंदों को ट्विस्ट करेंगे सेकंड नंबर का फंदा पहले नंबर पर ले आएंगे और पहला नंबर का फंदा है उन्हें हमने सेकंड नंबर पर ले आना है फिर सीधा बुनेंगे थर्ड और फोर्थ नंबर का फंदा भी फोर्थ नंबर का फंदा पहले आगे की तरफ ले आएंगे पीछे से घुमाते हुए और थर्ड नंबर का फंदा फोर्थ नंबर पर ले आना है और दोनों फंदों को फिर से हमने इस तरह से सीधा बुन लेना है आखिर का फंदा धागा अपनी तरफ घुमाते हुए इसे हमने उल्टा बना देना है और एस स्टिच को धागा भाग तरफ घुमाते हुए सीधा बना लेंगे इस तरह से तो ही रोज हमें बार बार दोहरानी है टू रोज एक हमारी उल्टी तरफ से उल्टी रो बनेंगी जो फंदे हमारे जिस तरह से दिखेंगे उसी तरह से बुनेंगे इस डिजाइन की कुछ रोज बनाने के बाद देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा दो सिलाइयों का डिज़ाइन है और सिक्स फंदों पर डिज़ाइन हाँ डलता है उल्टी तरफ देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ गार्डिगन जेंट्स स्वेटर और बेबी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा अपने रेकमेंट बॉक्स में वैसे साझा कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद आपका समय शुभ रहे हर हर महादेव